नमस्ते दोस्तों, ज्ञान 365 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन है एम कनेक्ट प्लस, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वीडियो फ्रेंड्स स्पेशली जो ई विजया बैंक के जो कस्टमर है उनके लिए है। यह हो सकता है आपका अकाउंट दोनों भी अगर बैंक में है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा और जो ई विजया बैंक, मतलब अभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई है उसमें अगर आपका अकाउंट है, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे ज्ञान 365 चैनल जैसे ये यूट्यूब में ओपन करते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक या देना बैंक में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल बैंकिंग का ये फोल्डर है प्लेलिस्ट में। जैसे आप यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल बैंकिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलग अलग जो इम्पोर्टेंट वीडियोज है मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा एम पासबुक रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट आया उसका वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एटीएम डेबिट कार्ड के जो फीचर्स है वो अगर चेक करना है तो वो चेक कर सकते हैं। नेट बैंकिंग रिलेटेड आपका हो सकता है साइन इन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप भूल गए तो वो कैसे रिसेट करने का है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ फर्स्ट टाइम नेट बैंकिंग को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल बैंकिंग को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एटीएम का जो पिन होता है वो कैसे जनरेट करना है, ऑनलाइन एटीएम के लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको स्टेटमेंट जनरेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ फर्स्ट टाइम आपको अगर फंड ट्रांसफर करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन चेकबुक कैसे अप्लाई करना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन कंप्लेंट का पोर्टल है। कभी कभी ये होता है फ्रेंड्स कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं फेल हो जाते हैं तो उसकी कंप्लेंट कैसे करने का है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट रिलेटेड ऑनलाइन फंड कैसे ट्रांसफर करना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैश ऑन मोबाइल का ऑप्शन है, मतलब आप विदाउट एटीएम कार्ड कैश कैसे विड्रॉल करना है तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ जो मोबाइल बैंकिंग रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, जैसे कि आपका एमपिन आप भूल गए, एप्लीकेशन पासवर्ड आप भूल गए तो उसको ऑनलाइन कैसे रिसेट करना है, तो ये पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल या अन्य अपडेट्स पाने के लिए आप नीचे जो रेड बटन दिए वहां पे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि जैसे कोई नया वीडियो आ जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी हम फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है एग्जिस्टिंग ई विजया बैंक कस्टमर्स कैन कंटिन्यू यूजिंग वी मोबाइल बैंक एप्लीकेशन टू व्यू पास ट्रांजेक्शंस एंड ट्रांजेक्ट यूजिंग नॉन माइग्रेटेड अकाउंट। तो अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी विजया बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन है वो है तो आप वहां पे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और आपके जो भी ट्रांजेक्शन आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे फॉर एन एग्जिस्टिंग एक्टिव यूजर ऑफ वी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे साइड में लिखा है यूज एग्जिस्टिंग पिन टू सेट न्यू एम पिन टू एक्टिवेट एम कनेक्ट प्लस। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एम कनेक्ट प्लस की एप्स अगर चाहिए तो सिंपल आपको यहाँ पे जो आपकी वी मोबाइल बैंकिंग की जो एम पिन है वही एंटर करके आपको यहाँ पे न्यू एम पिन क्रिएट करना है, ताकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एम कनेक्ट प्लस एप है वो आपके यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। देन यहाँ पे लिखा है इन केस यू फॉरगेट योर एग्जिस्टिंग एम पिन जनरेट न्यू एम पिन थ्रू एटीएम। हो सकता है अगर आपका कोई एप्लीकेशन पासवर्ड या एग्जिस्टिंग एम पिन आप भूल गए तो आप ये जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के थ्रू, विजया बैंक के एटीएम के थ्रू या देना बैंक के एटीएम के थ्रू आप यहाँ पे ये जनरेट कर सकते हैं। तो इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ऊपर जो आई लिंक आई है वहां पे आप चेक कर सकते हैं, या इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तो वहां पे भी क्लिक करके आप इसके रिलेटेड पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे और लिखा है इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा है बड़ौदा कनेक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट और विजिट योर बेस्ट ब्रांच। हो सकता है अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की जो इंटरनेट बैंकिंग की जो फैसिलिटी है उसमें भी ये एम पिन मतलब मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने का ऑप्शन है, तो वहां पे भी आप विजिट करके ये एक्टिवेट कर सकते हैं, या सिंपल आपकी जो बेस ब्रांच मतलब जो आपकी होम ब्रांच है वहां पे भी विजिट करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है रजिस्टरिंग न्यू मोबाइल नंबर पोस्ट माइग्रेशन। हो सकता है अगर आपको यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे बैंक में विजिट करना है, या हो सकता है कि जैसे ये बैंक का माइग्रेशन हो गया विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, तो उसी समय आपने अगर मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो करना है। और आपके यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग की अगर एप्लीकेशन नहीं चालू है, विजया बैंक की हो सकता है या बैंक ऑफ बड़ौदा की हो सकता है, तो आपको यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो करना है। सिंपल यहाँ पे लिखा है स्टेप नंबर वन डी रजिस्टर द ओल्ड मोबाइल नंबर थ्रू ब्रांच और एटीएम। ये आप कोई भी बैंक के एटीएम से यूज कर सकते हैं और थ्रू बीओबी कनेक्ट। तो आपको सिंपल आपका जो ओल्ड मोबाइल नंबर है आपको डी रजिस्ट्रेशन करना है, या ब्रांच में भी जाके विजिट कर सकते हैं या आप एटीएम में भी जाके विजिट कर सकते हैं।
जैसे आप यहाँ पे एटीएम में जाएंगे, एटीएम में लेफ्ट साइड में मोबाइल बैंकिंग या एम कनेक्ट का ऑप्शन वहां पे दिखेगा, तो आपको सिंपल वहां पे डी रजिस्ट्रेशन करना है ओल्ड मोबाइल नंबर टाइप करके, मतलब आपकी जो ओल्ड वाली आपकी पूरी तरह से वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है रजिस्टर द न्यू मोबाइल नंबर, तो जो अपने फ्रेंड्स नया मोबाइल नंबर ब्रांच में जाके अपडेट किया था, देन अगेन अगर आपको ऐप चाहिए तो वहां पे एटीएम सेंटर में आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ये मोबाइल बैंकिंग एप्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बेस ब्रांच में भी जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है मल्टीपल अकाउंट इन ई वीजा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा विद सेम रजिस्टर मोबाइल नंबर। हो सकता है फ्रेंड्स आपका दोनों भी बैंक में भी अकाउंट है और जो आपके कस्टमर आईडी है मल्टीपल अगर कस्टमर आईडी है तो आपको क्या करना है यहाँ पे दिया है अ फ्रेश कस्टमर कैन नॉट एक्सेस सच अकाउंट्स इन बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस एप्स ड्यू टू डिफरेंट कस्टमर आईडी विद सेम रजिस्टर मोबाइल नंबर। अगर आपका विजया बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में मोबाइल नंबर सेम है बट जो आपके कस्टमर आईडी अगर अलग अलग है तो आप ये मोबाइल बैंकिंग एप्स यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है कस्टमर शुड अप्रोच द बैंक ड्यू टू डी डुप्लीकेशन मर्ज द कस्टमर आईडी, तो आपको आपकी जो कस्टमर आईडी है विजया बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी कस्टमर आईडी मर्ज करना पड़ेगा, तभी आप दोनों भी बैंक की डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इनएक्टिवेट रजिस्टर यूजर ऑफ ई विजया बैंक मोबाइल बैंकिंग। अगर आपकी वी मोबाइल बैंकिंग इनएक्टिवेट है तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे स्टेप्स देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉलो एनी ऑफ द स्टेप्स टू ऑनबोर्ड एम कनेक्ट प्लस एप्स, तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स एम कनेक्ट प्लस की एप्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर वन है थ्रू सेल्फ रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड फॉर एंड्रॉइड यूजर्स ओनली। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप एटीएम सेंटर में जाके सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आप एटीएम की डिटेल्स भी एंटर करके सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये फैसिलिटी सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है। अगर आपके पास आईफोन है तो आपको यहाँ पे ब्रांच में विजिट करके मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना है। देन यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है विजिट बैंक ऑफ बड़ौदा विजया बैंक या देना बैंक एटीएम एंड रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग। इसके पहले भी मैंने बताया कि आप एटीएम सेंटर में भी जाके इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है तो उसके थ्रू भी आप मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है विजिट द बेस ब्रांच। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है मोबाइल बैंकिंग भी नहीं है तो सिंपल आपकी जो बेस ब्रांच मतलब होम ब्रांच है तो वहां पे भी विजिट करके आप मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कस्टमर विल रिसीव वेलकम एसएमएस विद फोर डिजिट एमपिन यूजिंग विच बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस कैन बी एक्टिवेट। तो इनमें से चारों ऑप्शन के थ्रू जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके मोबाइल पे फोर डिजिट का एमपिन आ जाएगा। एमपिन मतलब फ्रेंड्स जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो पासवर्ड होता है। तो जैसे एमपिन फ्रेंड्स रिसीव हो जाएगा आप ये एप्स एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको प्लेलिस्ट में जाके बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल बैंकिंग का वहां पे फोल्डर है तो वहां पे भी कैसे एक्टिवेट करना है या हो सकता है आपका पिन फॉरगेट हो गया तो उसको कैसे रीएक्टिवेट करना है तो पूरे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए तो वहां पे भी आप इसके रिलेटेड चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन रिलेटेड बताया, यहाँ पे लिखा है रिसीविंग फंड्स थ्रू आईएमपीएस। यहाँ पे लिखा है कस्टमर कैन आइदर शेयर न्यू एमएमआईडी जनरेटेड ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस ऐप और न्यू 14 डिजिट अकाउंट नंबर एंड न्यू आईएमपीएस कोड विद द रेमिटर। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप अगर आपके अकाउंट में एनईएफटी या आईएमपीएस पाना चाहते हैं या आप किसी को करना चाहते हैं तो सिंपल आपको जो बैंक ऑफ बड़ौदा का 14 डिजिट का अकाउंट नंबर है और जो आईएमपीएस कोड है वो अपडेट करना पड़ेगा या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू एमएमआईडी भी जनरेट कर सकते हैं तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है रजिस्टर बेनिफिशरीज, ऑल रजिस्टर बेनिफिशरीज एक्सेप्ट फॉर बेनिफिशरीज विद अकाउंट इन ई वीजा बैंक एंड ई देना बैंक विल कैरीड ओवर टू एम कनेक्ट प्लस। ई वीजा बैंक एंड ई देना बैंक बेनिफिशरीज विल हैव बी रजिस्टर अगेन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यही है कि आपके जो ई वीजा बैंक और देना बैंक में जो बेनिफिशरीज आपने एड किए थे जैसे आप एम कनेक्ट प्लस एक्टिवेट करेंगे तो फिर से आपको वो बेनिफिशरीज रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है रिसीविंग फंड्स थ्रू एमएमआईडी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और ई वीजा बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा है कस्टमर कैन नॉट कंटिन्यू टू यूज द सेम एमएमआईडी विल हैव टू जनरेट न्यू एमएमआईडी ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस। तो आपका यहाँ पे सिंपल है फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के एम कनेक्ट प्लस एप्स में एमएमआईडी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बट इसकी कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप नॉर्मल फंड ट्रांसफर एनईएफटी आईएमपीएस भी कर सकते हैं। एमएमआईडी के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं किया तो भी चलेगा। देन यहाँ पे लिखा है अकाउंट्स इन अदर नॉन माइग्रेटेड ई वीजा बैंक ब्रांचेस, उसके लिए यहाँ पे लिखा है कस्टमर कैन एक्सेस अकाउंट्स ऑफ माइग्रेटेड ब्रांच इन बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस ऐप। आपका जो वीजा बैंक में अकाउंट है तो अभी तक आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर नॉन माइग्रेट हुआ है
तो भी आप जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा अकाउंट्स एट नॉन माइग्रेटरी ब्रांचेस कैन बी एक्सेस थ्रू एक्जिस्टिंग ई वीजा बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्स। या आपके जो ई वीजा बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग एप है वो भी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है लोन अकाउंट टर्म डिपॉजिट इन माइग्रेटिंग ब्रांचेस एंड ऑपरेटिव अकाउंट्स इन नॉन माइग्रेटिंग ब्रांचेस। यहाँ पे नीचे लिखा है कस्टमर विल नॉट बी एबल टू एक्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा एमकनेक्ट प्लस एप्लीकेशन इफ ब्रांच विथ लोन अकाउंट टर्म डिपॉजिट माइग्रेट्स फर्स्ट कैन एक्सेस द एप वंस द ब्रांच विथ ऑपरेटिव अकाउंट ऑल्सो माइग्रेट्स। तो हो सकता है फ्रेंड्स अगर आपका लोन अकाउंट है टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी आईडी कुछ है तो फिलहाल आप ये माइग्रेटेड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ ब्रांच विथ लोन अकाउंट टर्म डिपॉजिट माइग्रेट फंड्स कैन एक्सेस द एप्स वंस अगेन द ब्रांच विथ ऑपरेटिव अकाउंट ऑल्सो माइग्रेट्स। तो इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो माइग्रेशन का काम है अभी भी चालू है। तो ये आपका जो ये लोन एंड टर्म डिपॉजिट है ये ब्रांच लेवल के थ्रू हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है अकाउंट होल्डर विद सेविंग एंड करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ फर्म। हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट भी हो और करंट अकाउंट भी हो तो दोनों भी अकाउंट के मोबाइल बैंकिंग में आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कैन अवेल मोबाइल बैंकिंग फॉर बोथ अकाउंट्स बाय रजिस्टरिंग फॉर मोबाइल बैंकिंग ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे आप आपका जो करंट अकाउंट है वो भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मोबाइल बैंकिंग में माइग्रेशन का काम चले तो आपको बहुत सारे एरर्स आते होंगे तो वो एरर्स का क्या सॉल्यूशन है तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्ट फेल टू रिस्पॉन्ड एरर एनकाउंटर और ऐप टेक्स लॉन्ग टाइम टू लोड। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है इश्यू ड्यू टू पुअर स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी। हो सकता है अगर आपका मोबाइल का इंटरनेट का कनेक्टिविटी स्लो है तो ये एरर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे लिखा है ट्राई अगेन विद अ स्ट्रांग इंटरनेट। तो आपका यहाँ पे मोबाइल का जो नेटवर्क है स्ट्रांग होना चाहिए या फिर आप ये वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप साइड में भी देख सकते हैं 9/11 एरर एनकाउंटर्ड द ऐप इज नॉट एबल टू गेट रिस्पॉन्ड फ्रॉम सीपीएस प्लीज वेट फॉर सम टाइम टिल द कनेक्टिविटी इज रिस्टोर्ड। तो अगर आपको 9/11 एरर आता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। तो यहाँ पे मतलब सिंपल है कि टेक्निकल बैंक की तरफ से सीपीएस में प्रॉब्लम हो सकता है तो इसके लिए भी आपको वेट करना है। देन यहाँ पे थर्ड एरर है अनेबल टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन एरर फेस वाइल ओपनिंग एन एफडी अकाउंट। अगर आप एफडी अकाउंट ओपन करते हैं और आपको ये एरर आता है जैसे कि अनेबल टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन बताए चेक इफ पैन इज अपडेटेड इन द अकाउंट ऑल्सो चेक दैट द एफडी ओपनिंग रिक्वेस्ट इज नॉट इनिशिएटेड फ्रॉम एन ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो आपका यहाँ पे पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे बैंक में पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। या हो सकता है कि अगर आप ओवरड्राफ्ट अकाउंट के थ्रू एफडी कर रहे हैं तो भी आपको ये एरर आ सकता है तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे 4 नंबर का एरर है अनेबल टू फाइंड अकाउंट इन ट्रांजेक्शन लिस्ट। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अकाउंट में बी अदर देन सेल्फ सोल प्रोपराइटर आइदर और सर्वाइवर और नॉट अपडेटेड प्रॉपरली। तो अनेबल टू फाइंड अकाउंट इन ट्रांजेक्शन लिस्ट ये अगर एरर आपको आता है तो आपको सिंपल ब्रांच में विजिट करके जो भी आपका मोड ऑफ ऑपरेशन है वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। यहाँ पे नीचे लिखा भी है प्लीज कॉन्टेक्ट यूर बेस ब्रांच टू गेट द डिटेल्स अपडेटेड। तो इसके लिए आपको आपके जो होम ब्रांच है वहां पे विजिट करना है। देन यहाँ पे 5 नंबर का एरर है अनेबल टू व्यू ऑल टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स अंडर क्लोजर ऑप्शन। इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है ओनली टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन थ्रू एन एडीसी चैनल लाइक मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग आर अलाउड। तो यहाँ पे सिंपल इसका मतलब है कि जो भी आपने मोबाइल या नेट बैंकिंग अकाउंट के थ्रू जो टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन किए थे वही आप ये क्लोज कर सकते हैं। ऑल्सो अकाउंट शुड बी ओनली इन योर नेम अकाउंट्स ऑपरेटेड जॉइंटली विल नॉट बी शोन। और ये अकाउंट्स आपने आपके नाम से होना चाहिए। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ पे नहीं चेक कर सकते या क्लोज नहीं कर सकते तो इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देन यहाँ पे लास्ट एरर है ओडी अकाउंट्स नॉट विजिबल इन एमकनेक्ट प्लस एप्स। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन है ओनली मेंशन लिस्ट ऑफ ओडी स्कीम्स आर अलाउड। यहाँ पे आप स्कीम चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स मोबाइल बैंकिंग के लिए यही ओडी अकाउंट यहाँ पे मतलब आपके इनेबल हो सकते हैं। यहाँ पे स्कीम कोड दिया है OD002 OD003 बाकी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका रिलेटेड जो भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है या आपका मोबाइल बैंकिंग अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। या आपका हो सकता है मोबाइल नंबर अपडेट हुआ या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आपकी जो बेस ब्रांच है वहां पे भी ये विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा विजया बैंक या देना बैंक के कस्टमर है उनको ये अपडेट मिल सके। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ये वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।